आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। अलीगढ़ के शिवपुरी इलाके में स्थानीय लोगों द्वारा एक मुस्लिम युवक को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। अलीगढ़ के शिवपुरी इलाके में स्थानीय लोगों द्वारा एक युवक को पीट पीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। युवक के पिता ने बताया कि युवक अपने दोस्त के साथ शिवपुरी में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया था। सर पर टोपी और तन पर कुर्ता पजामा होने के कारण लोगों ने उसे कोरोना कहकर चिढ़ाया और जब उसने इस बात पर आपत्ति जताई तो उसका पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। फिलहाल युवक के पिता ने स्थानीय थाने में FIR दर्ज करवा दी है। ये ज्ञापन जो है हमने श्रीमान जिला अधिकारी महोदय को दिया है। सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय अलीगढ़। विषय: सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तथा मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं रोकने के संबंध में। महोदय, अलीगढ़ के मुस्लिम समुदाय का ये प्रतिनिधिमंडल आपको अवगत कराना चाहता है कि काफ़ी समय से जनपद अलीगढ़ में मुसलमानों को धर्म के आधार पर निशाना बनाकर आए दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा मॉब लिंचिंग, गाली गलौज व अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं। असल में इससे सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने का काम किया जाता है, जिससे उनके गंदे राजनीतिक उद्देश्य पूरे हो सकें। इसी तरह की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विश्वास दिलाने के बावजूद इस महामारी को भी धार्मिक रंग देकर नफरत फैलाई जा रही है। इस प्रकार की राष्ट्र में सांप्रदायिक सौहार्द के मुखालिफ गतिविधियों को बर्दाश्त किया जाना मुश्किल हो रहा है। प्रथम घटना दिनांक 8 मई 2020 की है। अब्दुल समद निवासी मोहल्ला सराय रहमान, थाना बन्ना देवी के एक पड़ोस के मोहल्ले शिवपुरी में हिंदू समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने जान लेने के इरादे से उसे घेर कर मारा और उसकी लिंचिंग करने का प्रयास उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर किया गया। असामाजिक तत्वों के इस कार्य का कायरतापूर्ण और जघन्य कृत्य पर कोई भी व्यक्ति उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। तथा दूसरी घटना दिनांक 10 मई दोपहर करीब 1 बजे की है, जिसमें साजिद पुत्र शाहिद निवासी बड़ा फर्श आतिश बाजान, थाना दिल्ली गेट को हिंदू समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने मुस्लिम शिनाख्त के आधार पर रोजे की हालत में चाल लेने के इरादे से बहुत मारा, उसकी लिंचिंग करने की कोशिश की गई। सांप्रदायिक हमले की इस घटनाओं से पूरा मुस्लिम समुदाय स्तब्ध और हताश है और साथ ही उसमें रोष भी पैदा हो रहा है। ये निश्चित रूप से मुसलमानों के विरुद्ध उस घृणात्मक अभियान का एक प्रभाव है जो पूरे देश में मीडिया के माध्यम से चलाया गया है और जिसके पीछे वे शक्तियां हैं जो मुसलमानों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित करने के प्रयास में लगी हुई हैं। इसके अलावा ऐसे मामलों में प्रशासन द्वारा तत्काल कानूनी कार्रवाई न किए जाने और पीड़ित या पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के अपने वैधानिक दायित्व को तत्परता से पूरा न करने की वजह से इन शरारती तत्वों का उत्साहवर्धन होता है और वो निर्भीकता के साथ समुदाय विशेष के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। नफरत की इन वारदातों से भारतीय समाज और पूरे देश को खतरा है, जिस पर ठोस कार्रवाई न करना इस खतरे को बढ़ावा देने जैसा है। इस परिप्रेक्ष्य में अलीगढ़ के मुस्लिम नागरिकों का ये प्रतिनिधि मंडल निम्नलिखित मांगों के साथ ये ज्ञापन आपको प्रस्तुत कर रहा है। एक, अब्दुल समद और साजिद पर हमला करने वाले सभी अपराधियों को तुरंत रूप से गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून गैंगस्टर एक्ट धारा 153 व 307 और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कठोरतम दंड दिलाने को सुनिश्चित किया जाए। नंबर दो, पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिलाने के लिए शासन को सिफारिश भेजी जाए और कम से कम 2-2 लाख रुपए जिले के राजकीय कोष से तुरंत रूप से अदा किए जाएं। इसके अलावा पीड़ितों के इलाज और मुकदमे पर आने वाला समस्त खर्च प्रशासन द्वारा वहन किया जाए। संबंधित थानों की लापरवाही को देखते हुए थाना प्रभारी को तुरंत रूप से निलंबित किया जाए और उनकी निष्क्रियता के संबंध में विभागीय जाँच का आदेश दिया जाए। इस घटनाओं की न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जाए और एक धर्म विशेष के नाम पर देश में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जाएं। अलीगढ़ में रहने वाले मुसलमानों को असुरक्षा की भावना से निकालने के लिए उन्हें आधिकारिक रूप से आश्वस्त किया जाए और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। जिले में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और सभी समुदाय के जिम्मेदार व्यक्तियों का एक संघ बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचा जा सके। समाज में नफरत का माहौल पैदा करने वाले न्यूज चैनलों को नोटिस जारी किया जाए और सांप्रदायिकता फैलाने के जुर्म में उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हम समस्त नगरवासी श्री जिला अधिकारी महोदय और श्री वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से निरपेक्ष कदम उठाने की आशा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।